हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शुभम गेम्स के एक और एपिसोड में। तो गाइस वी आर बैक। तो गाइस हम लोग एक बार और आ चुके हैं स्केली एसएमपी में, और ये एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया, मंडे की जगह ट्यूसडे को आ रहा है बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे और मैं इसी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। लास्ट वीक वाला तो कैसे भी रिकॉर्ड करके डाल दिया था, पर वो उतना अच्छा वीडियो नहीं बना और उसका रिजल्ट व्यूज़ पे भी दिख रहा था और उतनी मेहनत नहीं कर पाया मैं। तो उस एपिसोड में मैंने चिकन फार्म बनाया था यहाँ पे इस वीट फार्म के पीछे, पर उसको क्रीपर ने ब्लास्ट कर दिया। तो अब मैंने इसको यहाँ पे बना दिया है, और मैंने पहले इसको पूरे ग्लास से बनाया था, थोड़ा बहुत स्टोन का भी यूज़ किया, स्मूथ स्टोन का, जिसको हम लोग फर्नेस में कॉबल स्टोन को दो बार स्मेल्ट करके बना सकते हैं। सो यप, मैंने यहाँ पे कर दिया है। और मैंने गाइस ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें की है। सबसे पहले तो मुझे अपना F5 मोड चेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैंने बहुत ज़्यादा ट्राइडेंट्स कलेक्ट किए हैं। यप, आपको अभी एक वीडियो दिखेगा जिसमें मैं ट्राइडेंट कलेक्ट कर रहा हूँ। सो यप, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राइडेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, और इसी वजह से मेरे पास अभी ऑलमोस्ट एक फुल डबल चेस्ट भर के ट्राइडेंट्स आ चुके हैं। ट्राइडेंट कलेक्ट करने के अलावा मैंने एक और दो तीन चीज़ें और की हैं। सबसे पहले तो मैंने उस आइलैंड को पूरा क्लियर कर दिया है। सो मैं वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको। तो यप, मैंने इस पूरे आइलैंड को क्लियर कर दिया, बिकॉज वो आइलैंड उतना बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊँचा नीचा है, तो इसलिए हम लोग कोई वहाँ पर फार्म वार्म नहीं बना सकते। तो इसलिए जब तक हम लोग अपना मॉन्यूमेंट बेस कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसी जगह पे रहने वाले हैं। और मैं अभी यहाँ पे घर वर शिफ्ट कर लूँगा अपना पूरा। मैं अभी मतलब कि रात को ही इसको साफ़ किया, मैं बस एक फ्लिंट एंड स्टील लिया और आग लगा दिया, पूरे में साफ़ हो गया। सो यप, ये हो गया। तो गाइज इस और गाइज इन दोनों काम के अलावा भी मैंने एक विलेज भी ढूंढा है। एक्चुअली मैं एक्सप्लोरिंग के लिए गया था, तो मुझे बहुत सारे शिपरैक्स मिले और एक विलेज मिला। तो शिपरैक्स में से मुझे मॉस ब्लॉक भी मिला है। मुझे अभी याद नहीं मैंने किस चेस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि मैं अभी सारी चेस्ट को क्लियर कर रहा था, पर मुझे मॉस ब्लॉक भी मिल चुका है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इन फ्यूचर। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइज आज के एपिसोड में हम लोग, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि ओशियन मॉन्यूमेंट को रेड करने वाले, तो उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें चाहिए जाएंगी। सबसे पहले तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए, मैं एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं। ओके गाइज, सो आफ्टर दैट फेल, तो हमें ब्लॉक्स में बस इतनी ही चीज़ें चाहिए रहेंगी, और इसके अलावा हमें कुछ पोशंस चाहिए रहेंगे। तो पोशंस रहेंगे वो इनविजिबिलिटी पोशन, ताकि हमें जो नॉर्मल वाले गार्डियंस है वो देख के परेशान ना करें। तो दूसरा चीज़ रहेगा वाटर ब्रीथिंग, क्योंकि हमारे पास रेस्पिरेशन 3 नहीं है, तो हमें वाटर ब्रीथिंग चाहिए रहेगा एक, ताकि हम लोग आराम से पानी में रह सकें। या और हमें चाहिए रहेगा स्ट्रेंथ पोशन, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी खिल सकता जाए। एंड गाइज, मैंने एक और बात सोची है कि मैं तीनों के तीनों एल्डर गार्डन्स को नहीं मारूंगा। या एक ओशियन मॉन्यूमेंट में, अगर आपको ना पता हो तो एक ओशियन मॉन्यूमेंट में 3 एल्डर गार्डन्स होते हैं, तो मैं तीनों को नहीं मारूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 को मारूंगा, जो कि दोनों कॉर्नर्स पे होते हैं, और जो बीच में रहता है उसको मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेस पे ले आऊँ, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है इन फ्यूचर के लिए। तो यप, मैं सिर्फ 1-2 ही एल्डर गार्डियंस को मारने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से ये सामान ठीक होना चाहिए। और जो मुझे क्या बोलते हैं पोशंस बनाए हैं, वो मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बनाना है इनविजिबिलिटी पोशन। ओके, ओके गाइस, तो जो भी हमें चाहिए रहेगा वो सब यहाँ पे है इस चेस्ट में। एक्चुअली इतने सारे पोशंस मुझे नहीं चाहिए रहेगा, मैंने एक्स्ट्रा बना लिया, क्योंकि अगर 3 पोशन बनाते तो भी उतना ही सामान लगता है, और 1 पोशन बनाते तो भी एक्स्ट्रा। अब हमें नेक्स्ट काम जो करना है वो है हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करना। ओके गाइस, सो दैट वाज वियर्ड, अचानक से पता नहीं क्यों सर्वर क्रैश हो गया था। तो वी आर बैक एंड ओके, तो अभी मुझे एक काउ भी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जितने भी काउस थे उन सबको मार दिया है, तो आई डोंट थिंक मेरे साथ कोई काउ आना चाहेगा सीरियसली। ओके, सो मैंने एक इसको कैप्चर कर लिया काउ को, एंड लेट्स गेट राइट इनटू द टाइम लैप्स। ओके गाइस, सो मैंने एक एल्डर गार्डियन को तो मार दिया है, पर दूसरा वाला एल्डर गार्डियन मुझे मिल नहीं रहा। सो लेट्स सी कहाँ पे है वो बंदा, वो एल्डर गार्डियन। सो मैं सोच रहा हूँ इसी को पहले निकाल लेता हूँ बाहर, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कहाँ पे। ओके,
What? What? अबे ये भी कहाँ गया? मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे एक एल्डर गार्डियन होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही एल्डर गार्डियन मिला, बाकी दोनों एल्डर गार्डियन गायब हो गए। आई थिंक वो क्या बोलते हैं, TNT के ब्लास्ट की वजह से मारे गए, या फिर कुछ तो भी हुआ है, क्योंकि वो इसकी जगह कहीं और जा नहीं सकता। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी क्या बोलते हैं, मिल्क पी के देखता हूँ सारे इफेक्ट्स। ओके सो गाइज, आई थिंक मैंने सारे उनको मार दिया एल्डर गार्डियन, क्योंकि माइनिंग फटीग अब हमारे ऊपर से जा चुका है। इसका मतलब या हम लोग माइन कर सकते हैं, इंस्टा माइन तो नहीं अभी हमारे पास, पर तो गाइज लगता है हमारा प्लान फेल हो चुका है कि एक को बचाने का। सो आप लोग बताना वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट्स में कि ये एक सक्सेसफुल था कि नहीं। आई थिंक ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि वो मरे क्यों। एक्चुअली मैं जो TNT ब्लास्ट कर रहा था उसके वजह से वो लोग सीधा जो नीचे थे, इस वजह से वो मारे गए, एंड आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। और मुझे स्पॉन्ज रूम का भी लोकेशन मिल चुका है, सो मैं चला स्पॉन्ज लेने। ओके गाइस, सो अब जब हमें स्पॉन्ज मिल चुका है तो ये है वेट स्पॉन्ज, तो इससे हमारा पानी तो क्लियर नहीं होगा, तो इसीलिए हमें इसको ड्राई करना होगा। और ड्राई हम लोग कर सकते हैं इसको, वेट अ मिनट, ड्राई करने के दो तरीके मतलब कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इसको फर्नेस में स्मेल्ट करें, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो उससे ईजी तरीका रहता है नेदर। या तो अगर आपको पता नहीं है तो नेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए आप नेदर में बकेट, एंड इसीलिए आप नेदर में वाटर बकेट प्लेस नहीं कर सकते हो, और इसका यूज़ कर सकते हो आप लोग वेट स्पॉन्ज को ड्राई स्पॉन्ज कन्वर्ट करने में। तो जैसे ही आप इसको प्लेस करोगे ये अपने आप ड्राई स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका ही मैं यूज़ हमेशा करता हूँ, ये बहुत ईजी टेक्निक है। ओके सो इतने ही देर में सारे के सारे सूख चुके हैं, एंड अब बस इनको कलेक्ट करना है। एंड ओके सो 38 स्पॉन्ज अब हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं, और इससे हम पानी सुखा सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक। सो ओके गाइस, सो आई थिंक आज के एपिसोड को बस यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ आइडिया नहीं बचा है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि एल्डर गार्डियन से फाइट करना थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसीलिए मैंने बस एक ही प्लान सोचा था इस वीडियो के लिए, पर भाई TNT के एक्सप्लोजन से मर गए वो नूबड़े एकदम मॉब्स है भाई, इतना इजी मॉब है, और फिर भी सारा का सारा माइनक्राफ्ट उनसे डरता है, बड़े बड़े प्लेयर्स डरते हैं, यहाँ तक कि ये शोकिंग भी बोल रहा था कि भाई खतरनाक होगा और टाइम लग जाएगा उसको करने में, तो दोनों साथ मिलके करेंगे, और भाई ये लोग तो इतने आसानी से मर गए। तो आई थिंक मैं इन फ्यूचर और भी ज़्यादा ओशन मॉन्यूमेंट ट्रेड करूँगा। वैसे भी हमें स्पॉन्जेस कुछ और चाहिए रहेंगे, 38 स्पॉन्जेस से हमारा पूरा का पूरा बेस का जो प्लान है और अलग अलग फार्म्स का जो प्लान है वो नहीं हो पाएगा। तो इन फ्यूचर आपको हो सकता है 3-4 और ओशन मॉन्यूमेंट रेड आपको दिख जाए, हो सकता है वो टाइम लैप्स की फॉर्म में हो, क्योंकि दो एपिसोड्स के बीच में जब टाइम रहता है मैं तब कर लूँ, और यप स्पंजेस हमें चाहिए रहेंगे। सो ओके, तो ओके गाइज आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक ले टाटा बाय बाय सिया एंड हैव अ गुड डे। एंड गाइज हम लोग शायद नेक्स्ट एपिसोड में ड्रैगन फाइट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे चैनल के नए नए वीडियोस हमेशा देख सकें।